सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वायरल जीके और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला उन सभी को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में इसमें से आए और आने का आ जाए तो उसको एक ट्रिक के माध्यम से जल्दी याद कर सकते हो आप। इम्पोर्टेंट है तो ट्रिक देखने के बाद आप भी एक टेस्ट जरूर लगाएं और देखिएगा कितने आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमको पता होना चाहिए, जो आप सभी को भी पता होगा। तो फ्रेंड बस एक बार डिस्कशन कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार जो होता है वो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो हो गया मेडिसन मतलब चिकित्सा के उसमें, और दूसरा है भौतिक के, तीसरा रासायनिक के, चौथा शांति के, पाँचवा अर्थशास्त्र और छठा जो है वो साहित्य के उसमें दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 2019 में शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताते हैं ट्रिक के द्वारा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक व्यक्ति को इस साल शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? उस व्यक्ति को दिया गया है जिसने शांति के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। दोस्तों अहम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शांति के क्षेत्र में योगदान दिया है, उन्हीं को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसने दिया? अबी अहमद अली ने। देखिए इनके नाम में अहम जो शब्द है वो इनके नाम में वर्ड छुपा है। शांति के क्षेत्र में योगदान तो देना तो बनता ही है जब नाम में छुपा है। तो जब भी आप अहमद अली देखोगे तो आप समझ जाना, अहमद से आपको दिमाग में आ जाएगा कि इन्होंने अहम योगदान दिया था इस क्षेत्र। इस तरीके से आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वर्ड से ही आपको समझ आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इनका अहम योगदान जो था वो क्या था। तो इनने इथोपिया और इरिट्रिया सीमा विवाद की ख़त्म करने और शांति के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो आपको अगला ट्रिक अब हम बताते हैं साहित्य के बारे में। साहित्य मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में इस साल किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? साहित्य का मतलब होता है रचना करना, मतलब लिखना। तो कोई भी व्यक्ति अगर रचना करता है या लिखता है तो किसकी मदद से? हैंड की मदद से। हैंड मतलब हाथों के द्वारा रचना करता है, ये सभी को पता है। तो इस साल जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया वो कौन थे? तो वो कौन थे आप? तो वो थे पीटर हैंड के। तो जब भी आप हैंड को देखोगे तो आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी कि हैंड की मदद से ही तो रचना की जाती है, साहित्य को लिखा जाता है। तो मतलब साहित्य के क्षेत्र में पीटर हैंड के को नोबेल पुरस्कार दिया गया। बड़ा सिंपल है, इससे दिमाग लगाने में कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक बार सुन लिया। जब भी आप क्वेश्चन फेस करोगे तो 100% सही आंसर ट्रिक करोगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, 2018 में नोबेल पुरस्कार घोषित नहीं किया गया था किसी कारण वर्ष, तो किसी कारण मतलब नहीं किया गया था। तो इस साल देखिए फ्रेंड्स 2018 का नोबेल पुरस्कार के विजेता का घोषित किया गया है। किसे दिया गया था? वो ओल्गा टोका रजुक को। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मान लो कि पीटर हैंड लेकर आप कंफ्यूज हो जाओ कि 2018 में दिया गया या 2019 में दिया, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालें बता देता हूँ। देखिए पीटर हैंड के की स्पेलिंग चालू होती है किससे? पी से। ओल्गा टोका रजुक की होती है ओ से। तो पहले कौन सा आता है और बाद में कौन सा आता है? तो पी बाद में आता है मतलब 2019 में, ओ पहले आता है मतलब 2018 में। तो आप फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं जो कि रसायन के बारे में।